दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और जडेजा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ से जा भिड़े रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने किया मैदान पर तगड़ा ड्रामा। एक गेंद को लेकर छिड़ा विवाद हाथापाई पर आ थमा, ये देख पीएम नरेंद्र मोदी भी हुए शर्मसार। तो दोस्तों, आखिर बीच मैदान पर क्यों ये विवाद हुआ, सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित और जडेजा में से कौन अच्छा खिलाड़ी है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला जारी है, और आज पहले दिन के मुकाबले में भारत के नाम अक्सर चीजें रही नहीं, क्योंकि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने आज पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 90 ओवर तो पूरे खेले ही, और साथ में 4 विकेट अपने गंवाए और 255 रन बना डाले। लेकिन दोस्तों, यहां पर चिंता वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा का शतक पूरा हो चुका है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उस्मान ख्वाजा का बल्ला खूब ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है, जहां उन्होंने आज 251 गेंदे खेली, 104 रन जड़े और 15 चौके इस बीच लगाए। हालांकि यहां पर उस्मान ख्वाजा के अलावा ट्रेविस हेड का भी बल्ला चला, जिन्होंने 32 रन बनाए। तो वहीं स्टीव स्मिथ ने 135 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। हालांकि अभी तक मैदान पर नाबाद टिके हुए हैं कैमरून ग्रीन और उस्मान ख्वाजा, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को उस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला जब एक समय पर ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े विकेट 170 रन के कुल स्कोर पर ही गिर गए थे, और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए 255 रन तक स्कोर को पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में चर्चा का विषय बनकर खड़े हो गए रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि स्टीव स्मिथ जब भी मैदान पर होते हैं तो हमेशा से ही देखा जाता है कि स्टीव स्मिथ काफी ज्यादा हलचल मचा रहे होते हैं। कभी वो मैच को बीच में रोक देते हैं, और गेंदबाज जो कि गेंद फेंकने के लिए ही होता है उसको रोक कर पिच से अलग हट जाते हैं। और दोस्तों, यही ड्रामा आज हम सभी को मैदान पर लगातार स्टीव स्मिथ द्वारा देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, स्टीव स्मिथ की यह हरकत रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा को बिल्कुल भी पसंद ना आई, और इन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर ऐसा तगड़ा ड्रामा बीच मैदान पर कर डाला कि देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि यहां पर स्टीव स्मिथ को सरेआम रोहित शर्मा ने लताड़ दिया, और यहां पर रविंद्र जडेजा भी फिर कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए यहां स्टीव स्मिथ से बहस कर डाली। हुआ ये था कि दोस्तों, पारी का ये 64वां ओवर था जब तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ रविंद्र जडेजा की बैकफुट पर जाकर गेंद को रोकने के लिए गए थे, जहां कोड़ के साथ अंदर आई गेंद अंदरूनी किनारे से लगी और फिर पैड पर लगी और फिर स्टंप्स बिखर गए। हालांकि इसके तुरंत बाद ही रोहित शर्मा ने स्टीव स्मिथ से अपना बदला पूरा कर लिया। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब 62वां ओवर रविंद्र जडेजा ने डाला था, तो उस बीच स्टीव स्मिथ ने कम से कम 3 बार जडेजा को रोका, और वो गेंद फेंकने वाले होते हैं तभी स्टीव स्मिथ उनके सामने से हट जाते हैं और गेंद सीधा विकेटकीपर के हाथों में चली जाती है। हालांकि इस गेंद को डेड बॉल करार दिया गया, लेकिन दोस्तों, यहां पर यह हरकत देखते हुए रोहित शर्मा पर रुका ना गया और वो सीधा जा पहुंचे स्टीव स्मिथ के पास, जहां स्टीव स्मिथ को वो खरी खोटी सुनाने लगे। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए रविंद्र जडेजा भी उनके पास जाकर उनसे बहस करने लगे। हालांकि इन तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में ड्रामा देखने के लिए भरपूर मैदान पर फैंस को दिख रहा था, और यहां अब बारी थी रविंद्र जडेजा की वो स्टीव स्मिथ की इन हरकतों का उनसे बदला लें। और दोस्तों, उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया, क्योंकि 64वें ओवर में स्टीव स्मिथ बड़ा शॉट लगाने के लिए जडेजा को बार बार कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जडेजा ने उनको अपने जाल में फंसाया और स्टीव स्मिथ को होल्ड आउट करके रोहित शर्मा को भी खुश कर दिया, क्योंकि रोहित शर्मा भी चाह रहे थे कि स्टीव स्मिथ का विकेट जडेजा ही चटकाएं। और दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने फिर तुरंत बाद जब मैदान पर ड्रामा हो रहा था, उस बीच रुकवाने के लिए उस ड्रामे को आए एम्पायर से सीधा जाकर पूछा कि ये कहीं नो बॉल तो नहीं है, और दोस्तों, ऐसे इशारे देकर उन्होंने स्टीव स्मिथ को काफी ज्यादा चिढ़ाने की कोशिश की, और स्टीव स्मिथ भी काफी नाराज नजर आए। बाकी आप सभी ये पूरा नजारा यहाँ वीडियो में भी देख सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है कि रोहित शर्मा और जडेजा ने जो किया वो बिल्कुल सही है या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।